हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये आपकी क्लास 5th की इंग्लिश बुक है, जिसका फर्स्ट चैप्टर आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नेम है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ये एक तरीके से एक प्रेयर है जो गॉड से कर रहे हैं बच्चे। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। ईश्वर पर भरोसा रखो, ट्रस्ट मीन्स भरोसा, विश्वास, एंड डू द राइट, और हमेशा सही काम करो, गलत का साथ मत दो। तो यहाँ से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये ग्लॉसरी पढ़ लेनी चाहिए। ये ग्लॉसरी दिख रहा है ना, तो यहाँ जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स आपको पोएम में मिलेंगे, उन सब का डिटेलिंग यहाँ पर दिया रहेगा, जिससे आपको मीनिंग समझने में आसानी हो जाएगी। तो इन सभी को आपको पहले पढ़ लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। करेज ब्रदर, करेज ब्रदर, डू नॉट स्टम्बल। करेज मतलब साहस रखो, हमेशा बहादुर बनो। डू नॉट स्टम्बल, स्टम्बल मीन्स लड़खड़ाना या निराश हो जाना, कमजोर पड़ जाना। तो क्या कह रहे हैं, हमेशा साहस के साथ आगे बढ़ो, कभी कमजोर मत बनो, लड़खड़ाओ मत। दो द पाथ इज बी डार्क एज नाइट। डार्क एज नाइट का मतलब रात की तरह अंधेरा होना। अंधेरे में जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो कुछ समझ नहीं आता कहाँ क्या है ना। तो वही मीनिंग यहाँ से लिया गया हो है कि चाहे आपके जीवन का जो रास्ता है, जिस पर आप चल रहे हैं, वो रात की तरह अंधेरा ही क्यों ना हो। देर इज अ स्टार टू गाइड द हम्बल। देखिए यहाँ स्टार क्यों लिया गया है, जब बहुत अंधेरी रात होती है और एक भी स्टार यदि चमकता है तो उजाला दिखाई देने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है, चाहे आपका जीवन का रास्ता कितना भी कठिन हो, अंधेरा हो वहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं एक तारा जरूर चमकेगा, उम्मीद का तारा। कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। हम्बल, हम्बल मतलब अच्छे लोगों को। तो कितनी भी निराशा भरा जीवन हो, कोई ना कोई उम्मीद का तारा जरूर चमकेगा, हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। जरूरत किस चीज़ की है, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। केवल भगवान पर भरोसा रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और हमेशा सही काम करते रहो। आगे बढ़ते हैं। लेट द रोड बी रफ एंड डेयरी। अब रोड से यहाँ पर मीनिंग है आपके जीवन का मार्ग, जिस पर आप चल रहे हैं, वो चाहे रफ हो, रफ मतलब कठिन हो। एंड डेयरी, डेयरी का क्या मीनिंग होता है, देखिए यहाँ पर जैसे ही कठिन वर्ड आता है, आपको यहाँ से हेल्प ले लेनी है। डल, ब्लीक एंड डिप्रेसिंग, निराशा देने वाला, जब उम्मीद खत्म हो जाती है, हम हार मान लेते हैं। तो यदि ऐसी स्थिति आती है कि जीवन में कभी भी निराशा हो या कठिन लगे कोई चीज़, एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट, दूर दूर तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि आगे क्या होगा, क्या करें, क्या सॉल्यूशन है, तब ऐसी स्थिति में पुट इट ब्रेवली, आपको अपने कदम साहस के साथ, बहादुरी के साथ आगे बढ़ाने हैं, ना कि हार मानना है। स्ट्रांग और वेरी, चाहे आप ताकतवर हों, हिम्मत से भरे हुए हों, चाहे थके हुए हों, आपको आगे बढ़ते रहना है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, हमेशा भगवान पर विश्वास रख के अच्छे अच्छे काम, सही काम करते रहिए, सदमार्ग पर चलते रहिए। तो आई होप आपको ये दोनों स्टेंजा अच्छे से समझ आ गए होंगे।